101 USD लगाए और मैम ने हेल्प किया, मैम बैंक एम्प्लॉई। मैंने पूछा कि यही दिखा, पूरे रास्ते ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिया। 95 का एवरेज स्पीड आ रहा है, 95 किलोमीटर पर आवर। नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब लिटरली आंख आंख मेरी चौंधी आ गई। मैंने साइड में गाड़ी खड़ी कर ली। भाई लग रहा है कोई रेस चल रहा है। 165-170 मेरी स्पीड है और जो मेरी आगे वाली गाड़ी है। ओ भाई यहाँ पता नहीं कितना गड्ढा है। ठीक है, वेदर मस्त है, पराडो दिख गई बाहर एक खड़ी हुई। चलो इस रूम को खाली करें, बैग अपना पैक्ड है और अपन भी रेडी है। मस्त आज भी पजामा पहना है ताकि कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हमारी ड्राइव आज भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे लगने वाले हैं जैसा मुझे लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर के आसपास है और आज हम जा रहे हैं कजाकिस्तान के कैपिटल सिटी अस्थाना में। अगर आपको नहीं पता तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने लैंड क्रूजर के साथ दिल्ली टू लंदन और फिलहाल मैं हूँ कजाकिस्तान के एक शहर बालखाश में और यहाँ से आज हमारी ड्राइव रहेगी टुवर्ड्स अस्थाना। का अगर वीडियो नहीं देखा ना तो देख लो भाई ये होटल अपने को कैसे मिला था। एक तो लाइट भी नहीं जला के रखते ना, ऑटोमेटिक वाला, जब साला क्रॉस कर जाओ तब जलता है भाई। होटल की चाबी ले ली है, अब रिसेप्शन पे ये देते हैं, गाड़ी में सामान लोड करते हैं और यहाँ से अपने को जाना है वेस्टर्न यूनियन। हाय गुड मॉर्निंग। ओह बस टूटना मत भाई। हाँ ओह व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटी भाई। गाड़ियाँ बहुत तगड़ी तगड़ी हैं यहाँ पे। हाँ कौन सी है, कैडलैक है ना। हाँ एस्केलेड भाई, बहुत तगड़ी लग रही है और हमारी उधर लग रही है, हमारी भी बहुत तगड़ी ही लग रही है। चलो सामान लोड करें, थोड़ा सा शीशा साफ़ करेंगे और ये शेड के अंदर ही कर लेंगे, धूप है। रात अगर कोई ट्रैवल के लिए रहता तो उसको मैं बोल के भाई कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, आपका काम है शीशा साफ़ करना, बट अपने को ये खुद ही करना पड़ता है, विच इज़ ओके। बहुत बार आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और उसमें से एक चीज़ है कि आप खुद से एक डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस ले रहे हो। चलो भाई मिला जुला के आगे के दोनों शीशे, मतलब दोनों साइड वाले, फ्रंट वाले और आगे का विंडशील्ड ये साफ़ कर दिया। भाई लैंड क्रूज़र के साथ ट्रैवल करना ना, हाँ एक चैलेंज है, बड़ी भारी गाड़ी है भाई। ये दिखा रहा है जी 1.2 किलोमीटर 3 मिनट्स, ये अपने ने बैंक का लोकेशन डाला है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये था जी हमारा होटल, ये नीचे अपन ये वाले रूम में रुके थे शायद। हाँ तो वापस आ रही है, मतलब आगे से जाने का रास्ता नहीं है। आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अपन को भी यहीं से यू टर्न मारना पड़ेगा। पीछे भी ऐसा ही था कल और मिला जुला के थोड़ा सा अजीब सा शहर है यार। चलो इधर से देखते हैं कहाँ जा रहे हैं यार। अजीब सा ही कुछ, कहीं ना कहीं से तो मिला जुला के मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। ये तो रीडायरेक्ट करने में भी गूगल इतना टाइम लगाता है ना, कहीं ना कहीं से तो पहुँचेंगे। बैंक जाना बहुत ज़रूरी है, बैंक जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपना रशिया का वीज़ा नहीं, हम अपना रशिया का बेसिकली गाड़ी का इंश्योरेंस लेने वाले हैं और उसके लिए हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी को $100। तो $100 ट्रांसफ़र वेस्टर्न यूनियन से ही होगा, तो उसने डिटेल भेज दी है, सुबह मेरी बात हुई थी। अब रशिया में जैसे यहाँ पे अपने इंश्योरेंस लिया था ना गाड़ी का कि पुलिस रोके तो अपने पास इंश्योरेंस वगैरह रहे, जैसे इंडिया में अपना करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ हर एक कंट्री में आपको करना है। अब सोचो हर एक कंट्री में कभी आपका ऊपर नीचे का प्लान बनता है, हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा रह लेंगे थोड़ा कम रह लेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है। और
इंटरनेशनल ट्रैवल जितना इजी आपको दिख रहा है ना उतना इजी होता नहीं है भाई। आज अपने को ना ब्रेकफास्ट कहीं खोजना पड़ेगा क्योंकि होटल में तो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग था उस टाइम पे अपन उठे नहीं, तो ब्रेकफास्ट खोजना इसलिए जरूरी क्योंकि कल जिस हाईवे से हम आए थे उसी हाईवे को आगे कंटिन्यू करना है और उस हाईवे पे एक्चुअली कुछ नहीं था यार। तो देखते हैं, अपनी किस्मत जबर रहती है। ये खारतोस का यहाँ पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है यार, अलमाटी में तो बहुत खा रहे थे लोग, यहाँ साला मिल ही नहीं रहा है खारतोस का। इधर से जाना है भाई, कल इसी के गोल चक्कर काट रहे थे। इसके नहीं, ये ऐसा गोल चक्कर यार तुम्हें लग रहा है इसका बोल रहा हूँ, नहीं नहीं इसका नहीं भाई। ये है जी बैंक, अब देखते हैं यहाँ पे होगा कि नहीं भाई। यहाँ तो अपना काम नहीं हुआ, इनका वेस्टर्न यूनियन वर्क नहीं कर रहा है प्रोग्राम, तो अब देखते हैं यार दूसरा लोकेशन। एक तो समझाना भी इतना डिफ़िकल्ट है ना, ये फ़िलहाल अपन इस जगह पे आए थे, अब इसके आसपास का लोकेशन देखना पड़ेगा। चलो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर रशिया में जाके देखा जाएगा। एक और दिखा रहा है 500 मीटर 2 मिनट अवे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक बार यहाँ ट्राई कर लेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। अब आप देख रहे हो ना कि वेस्टर्न यूनियन खोजने के लिए और मनी ट्रांसफ़र के लिए मुझे कितना झमेला लेना पड़ रहा है अब इस बैंक पे आया। बट एक चीज़ पे कभी रिलाई नहीं करना चाहिए, इसीलिए लाइफ में भी ना भाई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है बिनोमो जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आप सिंपल से ट्रेड करके ना पैसे अर्न कर सकते हो। बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, तो वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्लस सेम लिंक यूज़ करना बिकॉज इससे आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। चलो एक दो सिंपल से ट्रेड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग कितना सिंपल है। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है बिनोमो का इंटरफेस। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट है वो है 5ST यानी कि 5 सेकंड ट्रेड, जिसमें 5 मिनट में आपको आपके रिजल्ट्स पता चल जाते हैं। चलो एक ट्रेड लगाते हैं, तो भाई चलो मस्त से एक ट्रेड लगाते हैं, और यहाँ पे मैं अपना अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ, 16,000 कर देता हूँ, क्योंकि भाई ट्रिप पे ज्यादा खर्चा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने अप पे ट्रेड लगाया, और मेरे को अब बस 5 सेकंड वेट करना है। 2-1 और ये इनकम देख रहे हो भाई तगड़ा। चलो एक और ट्रेड लगाते हैं, अब इस बार भी मुझे लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने अप पे ट्रेड लगा दिया और 16,000 रुपए का ही ट्रेड लगाया, बस 5 सेकंड वेट करना है और ये। प्लस यहाँ पे आप देखोगे आपको ये एक ऑप्शन मिलता है इनवाइट ए फ्रेंड का, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को इनवाइट कर सकते हो, अगर आपके लिंक से वो ज्वाइन करते हैं तो आपके इसके मिलते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है वीआईपी स्टेटस, अब वीआईपी स्टेटस में आपको सारे स्टैट्स बताए जाते हैं। अब वीआईपी स्टेटस क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो वीआईपी का ऑप्शन है ना आपको तब मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हो, और इसके साथ आपको मिलता है एक पर्सनल मैनेजर। अब ये मैनेजर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता है, ठीक है, तो ये टिप्स और ट्रिक्स को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे ट्रेड कर सको और ज्यादा पैसा बना पाओ। अब पता है बिनोमो की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट मिल रहा है, और डेमो अकाउंट में मिल रहा है आपको $10,000, जहां पे आप डेमो अकाउंट से डेमो ट्रेड करके ट्रेड पहले सीख सकते हो और उसके बाद जाके अपने रियल अकाउंट रियल मनी से ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल रखा है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करने लगा, कल भी बताया था आगे भी बताऊंगा कि भाई बिनोमो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे से ट्रेड सीख के ट्रेड करके पैसे अर्न करो। ये आ गया जी सेंट्रल क्रेडिट, ठीक है अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आ गया जी सेंट्रल क्रेडिट। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे गाड़ी कहाँ लगाएं, यार गाड़ी लगाने का भी दिक्कत है भाई, ये कुछ तो मार्केट टाइप का है। भाई ये रहा अपना कागज, अपना ट्रांसफ़र हो गया, 101 USD लगा है, और मैम ने हेल्प किया, मैम बैंक एम्प्लॉय, मैंने पूछा कि कॉफ़ी कहाँ मिलेगा तो मेरे को लेके जा रही है, इन्होंने ही सारा चीज़ करवाया। ये अपने ट्रांसफ़र के पेपर्स हैं, अब यहाँ जाके देख लेते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह तो मिल जाएगा भाई, लोग तो हेल्पफुल हैं, फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं भाई। ये कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, और यहाँ तो QR आ रहा है, तो ये पेमेंट कर रही हैं, फिर मैं इनको वो कैश दे दूंगा, बट दे दूंगा भाई। तो अमेरिकानो एक ले रहे हैं, और यहाँ से ही कुछ खाने के लिए उठाएंगे,
सॉसेजेस रखे हुए हैं बहुत सारे। चलो बढ़िया है, यहीं पे पेमेंट करेंगे क्यूआर से, तब ये जो क्यूआर है इससे पेमेंट करेंगे तभी इसमें कॉफ़ी आएगा। अब देखते हैं कैसा कॉफ़ी रहता है, नहीं तो अपने पास भी कॉफ़ी बनाने का हिसाब किताब तो है भाई। देखने से तो लग रहा है कि ठीक ठाक सा ही होगा, कॉफ़ी तो आ गया, स्मेल भी अच्छा आ रहा है, बट भाई ये सिर्फ कॉफ़ी ना हो, मेरे को इसके साथ पानी भी चाहिए, मेरे को कॉफ़ी शॉर्ट्स नहीं चाहिए भाई। चेंज नहीं मिल रहा था, उन्होंने पैसे ही लेने से मना कर दिया कि पैसे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से निकल जाते हैं यार। बहुत गर्म है कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्म है, बट ठीक है। अब चलो भाई, वो तो बैंक छोड़ के ही आ गई थी, बैंक के कस्टमर छोड़ के मेरे को कॉफ़ी और खारतोस का खापूस का खिलाने आ गए थे। चलो अभी सही है, गाड़ी में बैठे यार, बहुत गर्म है कॉफ़ी, बहुत गर्म है, और कॉफ़ी अच्छी है। इसको ना अपने मग में डाल लेंगे, क्योंकि ये तो कप से तो भाई गिर जाएगा। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठ गया था, फिर बहुत सारे लोग आ गए, ओके बाय, थैंक यू। चलो भाई इनको बाय कर देते हैं, ओ थैंक यू बाय। चलो भाई कितना टाइम दिखा रहा है, रात में 9 बजे पहुंचेंगे, 8:44 दिखा रहा है, 7 घंटे, 603 किलोमीटर की रहेगी जी आज की अपनी जर्नी। अब यहाँ से निकलते हैं, खारतोस्का और खापूस्का एक ले लिया है, वही रास्ते में अभी खा लूँगा, ठीक है, और चलते चलते ही खाऊँगा, क्योंकि अभी डीजल लेना है, गाड़ी में डीजल कम है, एकदम एम्प्टी तक आ रहा है, तो ज़्यादा रेंज नहीं है, बस 67 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है, और आई थिंक आज हमें 2 बार रीफिल कराना पड़ेगा। 2 बज गए यार, कहाँ मैं 11:30 बजे निकल गया था, बहुत टाइम लग गया, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों से मिला। जैसे उस बैंक वाली कर्मचारी ने, मतलब बैंक के यूनिफॉर्म में, वो मेरे साथ 15-20 मिनट उसने मुझे कॉफ़ी दिलवाई, खारतोस्का खापूस्का दिलवाया, फिर मैंने पैसे नहीं ले रही थी यार, मैंने 2000 दिए उनको, कह रहे नहीं मैं 2000 नहीं लूँगी, 500 का ही कॉफ़ी था, मैंने कहा ले लो ये तो चेंज दे नहीं रहे, भाई नहीं ले रही थी, फिर मैंने ज़बरदस्ती दिया, फिर मेरे को ना चेंज मिल गया, मेरे वॉलेट में ना सिक्के पड़े थे 100-100, 500-500 के, मतलब यहाँ पे 100-200 रुपए के भी ना टेंगे के सिक्के होते हैं, फिर मैंने उनको 500 दिए। ये जी अपना ब्रेड वाला, ट्रेन आ रही है क्या? ओ भाई रुक, अच्छा यहाँ पे ना लोग बड़ा ध्यान देते भाई, फाटक वाटक पे ना, ये ट्रेन तो नहीं आ रही है। बाकी ये है जी अपना खारतोस्का या खापूस्का जो भी कहते हैं, एक खारतोस्का लिया, एक खापूस्का लिया है भाई। एक नई चीज़ पता चली, अगर आपको फुल टैंक कराना, आपको पता नहीं है भाई कितना आएगा, तो वहाँ पे काउंटर पे आप खड़े हो जाओ, उनको बता दो फुल टैंक, ठीक है, फिर यहाँ पे जितना भी होगा ना वो नॉजल लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे मेरा 18,000 ये अमाउंट था, ठीक है, 64.40 लीटर, अब मैं 64.40 लीटर तो उनको नहीं बता सकता, तो ये उन्होंने कहा कि भाई फुल टैंक में जितना भी होगा फिर कार्ड घुसा के पेमेंट कर दो। ये सही था, ये पहली बार पता चला। एक यहाँ पे लेडी मिल गई थी भाई, यहाँ की लेडीज बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, हैव अ सेफ ट्रिप, बाय। इन्होंने मुझे हेल्प किया था। चलो इनके पास भी लैंड क्रूजर है, LC 200, बड़े पेट्रोल है। चलो भाई अब ये तो उधर जा रहे हैं, अपन इधर जा रहे हैं। भी लगता है अपने को वैसे बीच बीच में रोड्स मिलेंगे जैसे कल मिल रहे थे, वैसा ही ट्रेन लग रहा है। वैसे तो अभी बालाघाट से निकले नहीं है, आउटर में ही है, तो मिला जुला के अभी सामने देखोगे ना आपको रोड्स दिख रहे होंगे, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। बट वही है, पतले दुबले से रोड हैं, और यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं चल रहा, तो ऐसे ही रहने वाले। अब देखते हैं कितने दूर तक, इस पे तो दिखा रहा है 235 किलोमीटर तक आपको इसी रोड पे रहना है, मतलब 595, 600 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर तो इसी रोड पे रहना है। यहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है यार, तो एक छोटा सा गड्ढा खोदा हुआ है, गड्ढा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है और एक रोड बना दिया है। चलो बढ़िया है भाई, जब अगले साल या 1-2 साल में जब भी कजाकिस्तान आने का मौका मिलता है, गाड़ी से ही आऊँगा, तब ये सारे रोड ना मस्त हाईवे बन गए होंगे। लिटरली बताओ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पांग में आ गया हूँ, इतना अमेजिंग है। सामने ये देखो, अरे अभी तो गाड़ी आ गई, ये सामने रोड जा रहा है वो, हाँ क्या ज़बरदस्त है यार, मतलब ये जो आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस है ना यार,
ये आपको ना एक स्टोरी टेलर बनाता है, आप बता सकते हो कहानी। मेरे पास इतनी कहानियां हैं ना अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग रोड्स की, अलग अलग जगह देखने की। तो स्टोरी टेलर मतलब यही तो है यार कि आप हर एक चीज़ अपने आंखों से देखो, एक्सपीरियंस करो। मतलब वीडियो में तो आप देख ही रहो, मेरा बेसिक ये है कि आप भी इंस्पायर हो यार कि हाँ थोड़ा सा पैसा बचाएंगे और फिर ऐसे ट्रैवल करेंगे। नीचे मेरे को एक एक्सप्रेसवे तो दिख रहा है, शायद अपने को इसी पे जाके मिलना है और आगे बढ़ना है इसी एक्सप्रेसवे पे। तो अभी यहाँ से अपन टर्न ले रहे हैं और फिर घुमा फिरा के इसी एक्सप्रेसवे पे मिल जाएंगे। चलो एटलीस्ट स्पीड मेंटेन करेंगे तो, अदरवाइज वही मैं सोचूं कि यार 600 650 किलोमीटर के लिए 7 घंटे क्यों बता रहा है भाई। आप सोच सकते हो कि एवरेज स्पीड कितनी अच्छी आती है यहाँ पे, अगर आप ढंग से चलाओ तो आप 5 घंटे पहुँच जाओ। अब जैसे चाइना में भी अपन ट्रैवल कर रहे थे तो तिब्बत से एक सेम हाईवे को पकड़ के G20 G19 को पकड़ के अपन चाइना पूरा क्रॉस किए, तो यहाँ पे भी अपन एक हाईवे M36 को पकड़ के पूरा कजाकिस्तान क्रॉस करेंगे। मतलब M36 पे कल भी थे हम और M36 पे आज भी हैं, और कल तो अस्थाना अपन रुक रहे हैं। अस्थाना अपन 2 दिन स्पेंड करेंगे और 1 दिन और मन किया तो वो भी कर लेंगे। इंश्योरेंस अपना उसी हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, इंश्योरेंस का कितना लगा वो भी मैं आपको बता दूं। देखो इंश्योरेंस मैं ना चाइना पहुंच के ही बनवा सकता था, लेकिन वो मैं भसड़ नहीं लेना चाहता था कि वहां जाओ इंश्योरेंस कंपनी के धक्के खाओ और ये करो। तो एक एजेंट किर्गिस्तान का है, उससे मैंने इंश्योरेंस बनवाया और इंश्योरेंस के उसने मुझे 15 दिन के लिए $100 कितना हो गया, 8300 रुपीज़ हो गया, और $1 लगा, 1% लगा कमीशन जो मुझे बैंक को देना पड़ा, विच इज़ 83 रुपीज़। ये इन्होंने ना एक ऐसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म करके गाड़ी जो एक्सीडेंटल गाड़ी है ना उसको खड़ी कर दी है ताकि आपको रियलाइज होता रहे कि भाई हिसाब से औकात में। इतना तेज है विंड ब्लास्ट, इतना तेज, मतलब इसके अंदर ना गाड़ी के अंदर आवाज वैसे आती नहीं है। अभी आप देख रहे हो कितनी तेज आवाज आ रही है विंड ब्लास्ट की। अब इसको बंद कर देते हैं भाई, बहुत तेज विंड ब्लास्ट, सामने से गाड़ी आ रही है। ये थोड़ा सा ना ओवरटेकिंग इस हाईवे पे थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आती है ना। थोड़ी सी मजाकिया भी बातें हम करेंगे। और अपने खाने पीने के साथ ना भाई गाड़ी का तेल पानी भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे देख लो, हाँ इस साइड भी देख लो और इस साइड भी देख लो, और ऐसे ही रहने वाला है भाई, पूरा ऐसे ही रहने वाला है। मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब सीरियसली आपको कोई हेल्प वेल करने के लिए तो चलो ट्रक्स वक्स चल रहे हैं, बट ऐसे आपको ना खाना पीना के लिए कुछ नहीं मिलेगा। या तो अपने साथ आप रखो, या तो पेट पे तौलिया बांध के चलाना पड़ेगा। ये वाला भाई भी हमें देख रहा है ना, पता नहीं क्या पी रहा है यार, हाँ देखो मुंह में लगा के कुछ तो चूस रहा है। सही यार, ये भाई भी कह रहा है भाई, ये भी इधर से ओवरटेक मारा इसने। सामने दिख रहा है, बस यही दिखा पूरे रास्ते, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिया। बस एक तो एम्बुलेंस वगैरह दिख रहा है एक्सीडेंट वगैरह के लिए, तो ये है, और बाकी रोड के कुछ नहीं है। मतलब फिर से ये ख़त्म, अब फिर से ऐसे ही रोड चालू। कोई तो छोटा इंडस्ट्री टाइप सेटअप है यहाँ पे, एंड कुछ मिल्स विल्स लगे हुए हैं, ट्रक वर्क है यहाँ पे, पता नहीं सीमेंट का है क्या है, रोड बनाने के लिए है कि ऐसे ही नॉर्मल कुछ बना हुआ है, बट बीच में अचानक से ही कुछ बना भाई, इनका रॉ मटेरियल कैसे आता होगा। और सामने मेरे को एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, तो 200 किलोमीटर के बाद आया भाई पेट्रोल पंप, 200 150 किलोमीटर के बाद।
ऐसा लग रहा है ना मोरे प्लेन्स पे गाड़ी चला रहे हैं। अपना मोरे प्लेन्स लद्दाख से आते वक्त ना ऐसा ही दिखता है, सीधा सीधा रोड, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है भाई, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। ऐसे ही ब्लैक रोड्स और ब्राउन सराउंडिंग्स, हाँ यहाँ पे भी ब्लैक रोड्स और ब्राउन सराउंडिंग्स, बट यहाँ पे ना गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं भाई। गलती से मैंने ना रोड के इस साइड ले लिया। अब ये सेक्शन तो पूरा बना हुआ है, देखो मस्त 145 का स्पीड है और एवरेज स्पीड जो अपना आ रहा है 94 का एवरेज स्पीड आ रहा है। हाँ एवरेज ज़रूर कम आ रहा है, 8.5 का एवरेज आ रहा है, बट ना दो गाड़ियाँ आगे जाए थे, मैं उसके पीछे पीछे चल के फिर मुझे रियलाइज़ हुआ भाई मैं तो गलत रोड पे ही चढ़ गया हूँ। बट ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हाँ घोड़े दिख गए, बीच बीच में ना ऐसा कट बना हुआ है, ये देख रहे हो घोड़े मस्त, वही खा जाएंगे ना अभी इनको, कुछ दिन में ये सब भोजन भी में परोसा जाएगा भाई। बहुत घोड़े खाते हैं यार, बहुत घोड़े खाते हैं, हर जगह घोड़े का ही मीट मिल रहा है यार। चिकन विकन तो इनके लिए एकदम वेजिटेबल है भाई, चिकन भी नहीं मिलता। मैं कल मांग रहा था, पता नहीं क्या मिला के दिया यार उसने, ऐसे टेस्ट किया पास्ता, इतना खराब टेस्ट, मुझे लग रहा है उसमें कुछ पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे डेथ वैली में चला रहा हूँ ना, US में है ना डेथ वैली, उस टाइप का ऐसा। बियर ग्रिल्स में नहीं खाता भाई, एकदम बीहड़ जंगल है वैसा ही भाई, जंगल तो नहीं है यहाँ पे लेकिन बीहड़ है और बीहड़ के बीच में एक रोड है। अगर 300 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लिया है। हाँ भाई हाँ देख रहे क्या ज़बरदस्त जा रही है ना भाई, हाईवे अब दुगना हो गया है, मतलब पहले एक ही साइड था अब दोनों साइड हो गया और गाड़ी साइड में लगाई है अपन ने। मज़ेदार भाई मज़ेदार, अच्छे हैं रोड्स, बहुत अच्छे हैं। आई होप ऐसे ही कंटिन्यू हो, मतलब कि अपने को ना दोनों साइड वाले रोड मिले तो डिस्टेंस अपन जल्दी कवर कर लेंगे। 300 किलोमीटर तक तो नॉन स्टॉप ही चल रहे थे, मतलब कहीं भी रुकना वुकना था नहीं। यहाँ पे मैंने सोचा कि एक स्ट्रेचिंग ब्रेक कर लें क्योंकि 302 बजे से चल रहे थे और अभी फ़िलहाल टाइम कितना हुआ है, एवरी UPI ट्रांजेक्शन क्या दिखा रहा है भाई, 5 बज रहा है, मतलब 300 किलोमीटर अपन ने 3 घंटे में कवर कर लिया, विच इज़ गुड। 3 घंटे में अगर 300 किलोमीटर कवर हो रहा है ना तो 100 का एवरेज स्पीड आ रहा है। इसमें दिखाऊं एवरेज स्पीड कितने का दिखा रहा है, 95 का एवरेज स्पीड आ रहा है, 95 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सनसेट के समय ना ये देख रहे हो भाई, इतना तेज सामने से आ रहा है ना, हाँ सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है ना, और हमेशा भाई जब सनसेट होता है ना तो एक तो जब सनसेट हो रहा होता है तब बहुत अमेजिंग लगता है। आज भी रुकेंगे शीशा साफ करने के लिए क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो सनसेट के एग्जैक्टली पहले रुकेंगे और अभी तो फिलहाल सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। टेम्परेचर सही है यार, 21 डिग्रीज, तो मतलब जैकेट वैकेट की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा AC ऑन करके ना मतलब बहुत कम्फर्टेबल हो जाता है। सामने कोई तो एक शहर आ रहा है, अभी तो जूम करूँगा तो आपको शायद उतना, इतने कीड़े मर गए ना इतने ज़्यादा, आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा। ओहो 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 ओह भाई, पीछे कोई नहीं था, देख लिया था इससे पहले कि आप कमेंट करो। इस शहर को बाईपास करने के लिए शायद ये बना हुआ है, यार देखा ही नहीं यार। कीप लेफ्ट, हाँ ठीक है, अब ये भाई शहर आ रहा था अब नहीं आ रहा, अब हम शहर से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर भाई। ये हाईवे बेसिकली ये बाईपास होगा ताकि शहर के अंदर एंट्री ना हो। अब कौन सा शहर था ना, उसका बोर्ड भी आया था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो पूरा रशियन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था। चलो अब तो शहर को बाईपास ही करेंगे। गाड़ी की परछाई आगे गजब ही लग रही है ना, हाँ भाई आप इसको ध्यान से देखे रहोगे ना, देखते रहोगे ना
तो हेलुसिनेट होने लगोगे भाई, कभी टेढ़ी कभी मेढ़ी, क्योंकि रोड कर्व हो रहे हैं। तो अब देखो, पहले एकदम सीधी थी, अब साइड में चली गई। अब बहुत सही लग रही है यार, बहुत सही लग रही है। पेट्रोल हाँ, हाफ टैंक आ गया। वैसे तो 221 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है, 198 का रेंज दिखा रहा है। अगर नॉर्मल चलें 80-100 पे तो पहुंच सकते हैं, बट अभी 98 का एवरेज स्पीड आ रहा है। उससे मैंने दिखाया था, अब 98 का एवरेज स्पीड आ रहा है। टोटल एवरेज स्पीड 98, और एवरेज हमारा ना गाड़ी का एवरेज और थोड़ा सा कम हो गया है। तो देखते हैं, अभी तो शीशा साफ़ करूँगा यार, कहीं रुकूँगा, कितने देर में रुकूँ, वही मन ही नहीं कर रहा यार। ऐसा ना लेजीनेस नहीं होता कि भाई हाँ करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, यहाँ से किसी कोई बॉर्डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम्स है। ये देख रहे हो, कस्टम्स है यहाँ पे। बॉर्डर कौन सा बॉर्डर लग सकता है यार इधर से, एक बार मैप में देखना पड़ेगा कि कस्टम्स कैसे आ गया इधर, और इधर से कहाँ निकल सकते हैं। चाइना वाइना का बॉर्डर तो नहीं लगता है भाई, और यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा है कि कोई बॉर्डर लग रहा है। प्लस यहाँ पे किसी और कंट्री की गाड़ी भी नहीं दिखा रही, बट कस्टम्स ऑफिस दिखा रहा है। पता नहीं क्या है, अपना इमिग्रेशन वाला कस्टम्स है कि कोई दूसरा ही कस्टम्स है। इतना तेज़ है सूरज का रोशनी कि मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार। मैंने चश्मा खोल दिया, मतलब अभी सूरज उस साइड से कर्व लिया, भाई नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब लिटरली आँख मेरी चौंधी आ गई। मैंने साइड में गाड़ी खड़ी कर ली, ऐसी बुरी हालत। ठंडे यार बाहर ना, हल्की फुल्की ठंड है। ये देख रहे हो भाई, बहुत, आपको ना कैमरे में उतना नहीं समझ में आ रहा, आईएसओ वगैरह एडजस्ट, इतना ज़्यादा तेज़ है भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चलो फाइनली सूरज देवता थोड़ा सा तो अंदर गए, थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ। यहाँ पे अपना पार्किंग लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। यहाँ कॉफ़ी बनाने के लिए पानी रख दिया है, अब इसको लगा दिया है। आई थिंक इट्स गोना टेक 10 मिनट्स। तो जब तक अपन आगे ड्राइव करेंगे, इसमें इस मग में कॉफ़ी वॉफ़ी रेडी कर देते हैं डाल के, ताकि फिर किनारे रुक के बस पानी डालना पड़े। दैट्स इट। ये कॉफ़ी रहता है ना यार, बहुत सही है इस ट्रिप पे। कॉफ़ी ने मुझे बहुत बचा के रखा हुआ है। और आज तो हमारा डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, मतलब शाम क्या, रात ही हो जाएगी यार। रात होने लगी है, बट बहुत प्यारा सनसेट है, बहुत ज़्यादा प्यारा। सुबह से चलाते चलाते कुछ था नहीं यार ना देखने को, कुछ भी नहीं था देखने को। क्या ही दिखाता आपको, पता नहीं मैं कितना रिकॉर्ड किया, कितना उसमें डालूंगा अभी तो नहीं पता, बट ठीक है। आगे चल रहे हैं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करने को नया मिल रहा है ना। मैंने लिटरली हीटेड स्टीयरिंग ऑन किया, क्योंकि मेरे हाथ पूरे एकदम ऐसे एकदम ठंडे हो गए थे यार, पानी मार के ना एकदम ठंडे, ऐसे जैसे एकदम ठंडा नहीं पड़ जाता हाथ वैसा। ये क्यों जल रहा था, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 207 किलोमीटर बाकी है, 2 घंटे 25 मिनट, ठीक है, ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। कल से अभी तक एक रुपए का टोल नहीं दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इस पेट्रोल पंप पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके आगे मिलेगा नहीं क्या पेट्रोल पंप भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना होता नहीं है जनरली, बट यहाँ का स्टोर अच्छा लग रहा था, डाला मार्केट जो है ना वो अच्छा था। रुक जाए क्या, चलो यार क्या ही रुके। यहाँ पे भी लोग खड़े होके विंडशील्ड वगैरह साफ़ कर रहे हैं ना। इसमें दिखा रहा है 189 किलोमीटर तक इसी हाईवे पे चलना है। अगर यही हाईवे रहा ना 190 किलोमीटर, मतलब 188 तक तो अपने को इस पे चलना है, और फिर 2 किलोमीटर अंदर अपना होटल आ जाएगा। और अगर ऐसा ही हाईवे रहा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। हाँ एक हल्की सी कॉफ़ी बन जाएगी, 200 किलोमीटर तक तो खींच दूंगा एक कप कॉफ़ी। लिटिल सिप करने में ना अच्छा लगता है यार, मेरे को मज़ा आता है हल्का हल्का सिप करते हुए। भाई इस साइड आ तो जाऊं मैं, बट इस साइड ना अपने को तेज़ चलना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड की जितनी गाड़ियाँ ना बहुत तेज़ चल रही हैं, और मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ गई है, तो इधर ही कर लेता हूँ। भाई यहाँ कोई धीरे चलता ही नहीं है यार, देख रहे हो, ये टोयोटा वाले बहुत तेज़ चला रहे हैं यहाँ पे। जैसे इंडिया में क्रेटा वाले नहीं है कि एकदम पेलम पेल भगाए पड़े हैं, हॉर्न बजाए, यहाँ हॉर्न कोई नहीं बजाता, बट पीछे से ना पीछे आ जाते हैं, आपको साइड देना ही पड़ता है।
भाई क्या कर रहे हैं यार, बगल बगल से इतनी तेज निकाल रहे हैं ना, इतनी तेज निकाल रहे हैं भाई। हुंडई वाले यहाँ भी वैसे ही चलाते हैं। हुंडई लेने का ना क्राइटेरिया भी वही है, आप तेज चलाओगे रैश चलाओगे। भाई क्या बगल से ये देख रहे हो, बड़ी बड़ी लेक्सस वाले भी ऐसे ही चला रहे हैं। भाई बहुत तगड़ा हाईवे है यार, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हाईवे है। और जो यहाँ पे स्पीड है ना लोगों की, मतलब इस लेन में जिस पे मैं चल रहा हूँ उस पे एवरेज, मतलब जो नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही है ना 170 180 ऐसे चल रही हैं। मतलब सीरियसली हाईवे पे इतनी ख़तरनाक स्पीड, और जिसको भी ओवरटेक करना है एक साइड से ही कर रहा है। जैसे ये सारा ट्रक ये आई थिंक 120 130 पे चल रहा होगा भाई, बहुत सही है, बहुत सही है। और फिर क्या है ना कि अगर आप एक लाइन में चल रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर इस लाइन में आ सकते हो और थोड़ा सा रिलैक्स स्पीड में चला सकते हो। तो मिला जुला के थोड़ा तो मैंने ये समझ गया। अब देखना मेरे बगल से जो गाड़ियाँ जा रही है ना वो कितनी एक कांस्टेंट रफ्तार में जा रही है, आप उस लेन में स्लो नहीं चल सकते। तो अब मैंने देख लिया भाई, दोनों गाड़ियों को पास दे दिया है। अब यहाँ से मैंने इस लेन में लिया, मैंने इंडिकेटर दे के अब मस्त बढ़ाए जाओ। और गजब लग रहा है यार, आई थिंक मूनलिट नाइट है या क्या है, मतलब शाम के बज रहे हैं 6:30 यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से, इंडिया टाइमिंग के हिसाब से 7 बज रहे हैं, 7:03। डीजल टैंक पे आए लेकिन अब यहाँ पे कोई है नहीं, इसको मैंने लगा तो दिया लेकिन ये भर नहीं रहा है, तो आई थिंक वहाँ जाके पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। हाँ पेमेंट करनी पड़ेगी। 35 लीटर के लिए पे किया है, अब ये ज़ीरो हो गया है, देखो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, अब यहाँ पे 35 डाल लो। इतना सुंदर स्काई, इतना सुंदर स्काई भाई साहब, मतलब अभी बज रहे 7 यहाँ के, इंडिया के 7:30, और अजीब सा ही स्काई है यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उस साइड से अभी भी जैसे सनसेट होता है ना तो लालिमा जैसे नहीं रहती है, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैमरे में तो ना कि एक्चुअली विंडशील्ड पे भी इतने मॉस्किटोज मर गए ना, तो वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट आप रियल आइज से देख रहे हो ना तो इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे ना सामने वाली गाड़ी भी ना लो बीम पे ही चल रही है, तो जैसे ही हाई बीम कर रहे ना तो लेन के उस साइड से, अब मेरा जो लो बीम है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लो हो गया है, तो अब स्पीड में ना दूर तक देखना सही रहता है यार, मतलब अवॉइड एक्सीडेंट्स, और रोड्स भी कर्व हो रहे हैं, बट सब लोग लो बीम पे चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अपन ने स्पीड धीरे ही कर दी है, कोई ज़्यादा तेज़ भगा के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आसमान बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। ये जो लास्ट सिटी आया था ना, मेरे को उसका नाम नहीं पता, वहाँ से 200 किलोमीटर 170 किलोमीटर के करीब था। बहुत ज़बरदस्त ड्राइव भाई, बहुत ज़बरदस्त ड्राइव। पे मैं रुका था, ये देख रहे हो, आपको पता नहीं धुंध समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बट गाड़ियाँ देखो कितनी तेज चल रही हैं। मतलब इधर से अगर कोई गाड़ी आएगी ना, या सामने से कोई गाड़ी आएगी, इतनी ज़्यादा तेज चल रही है ना गाड़ियाँ। भाई लग रहा है कोई रेस चल रहा है, हाँ लिटरली लग रहा है कोई रेस चल रहा है। उधर साइड की गाड़ियाँ देखो भाई, पता नहीं भूकंप आने वाला है क्या है भाई,
जो पुरानी पुरानी 25-25 साल पुरानी गाड़ियां ना वो भी इतनी ज्यादा तेज चल रही है। कोई धीरे नहीं चल रहा यार, कोई धीरे नहीं चल रहा। ट्रक वाले बस गिर गए भाई, क्या है यार भाई, 200 150 200 150 200 रात के टाइम पे भगाए पड़े यार। ये सामने से ना एक ट्रक आ रहा है, आप ये देखना, ट्रक की स्पीड देख रहे हो? हाँ भाई मजा आ गया यार, कसम से। इतना फास्ट हाईवे 300 किलोमीटर 3 घंटे में कैसे कवर होता है ना, मजा आ गया। चलो भाई अंदर चले। मैं एक्चुअली सुसु करने के लिए उतरा था, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे एक फोटो भी खींच ले। नाइट ड्राइव का अलग फन है भाई, अलग फन है। अरे यार पैर स्लिप होते हो, अरे रुक जाओ भाई, पैर स्लिप होते होते बच्चा, और सारे लो बीम पे चल रहे हैं। अरे सॉरी लो बीम पे 165-170 मेरी स्पीड है, और जो मेरी आगे वाली गाड़ी है मेरे से तेज चल रही है। ओ फाइनली टोल कार्ड स्वाइप हो जाए भाई, क्योंकि अपने पास कोई ऐप वैप तो है नहीं, तो कार्ड स्वाइप करके ही देख, पहले एक बार साइड में लगा लेते हैं और देखते हैं ये निकल कैसे रहे हैं भाई। अगर क्योंकि मैं अगर लेट करूँगा ना तो पीछे जैम लग जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा भाई, क्या होगा। 8 नंबर पे चले गया, 8 नंबर पे देखते हैं 8 नंबर पे कैसे होता है भाई। कार्ड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत तगड़ा गड़बड़ होगा। कार्ड से ही हुआ, HDFC के कार्ड से किया मैंने पेमेंट। 30 टेंगे का पेमेंट था, बस 30 टेंगे यार, समझ रहे हो, इतना सस्ता भाई। टोल तो मतलब जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर। 30 टेंगे क्या ही हुआ यार, हाँ इतना ज़बरदस्त हाईवे, सिर्फ 30 टेंगे, मतलब अलमाटी से यहाँ तक सिर्फ 30 टेंगे लगे अपने। मैं तो सारे कार्ड निकाले, मैंने कहा भैया पेमेंट करो, पीछे एक ट्रक आके खड़ा था भाई, लेकिन इतने पेशेंसली खड़े रहे वो, इतने पेशेंसली, कोई हॉर्न नहीं, कोई ये नहीं, देख रहे थे कि भाई ये कोई अलग सी गाड़ी है जो पेमेंट वेमेंट कर रही है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। यहाँ जैसे ट्रक नहीं चलते, एक ट्रक के पीछे एक और ट्रक लोड कर दिया है, हाँ। और भाई देखो कितनी तेज जा रहा है, पता नहीं क्या करना। अरे भाई क्या लेन गजब चेंज किया भाई ने, हाँ मैं 70-80 पे चल रहा हूँ, ये भी इतने पे ही चल रहा है। इस साइड तो सारे सोसाइटीज, बिल्डिंग, सुपरमार्ट, नॉर्मली यहाँ पे सुपरमार्ट का कल्चर बहुत है ना, वो सारे दिख रहे हैं। बाकी आगे अपने को सिटी विटी, सिटी के अंदर ही है फिलहाल, बट मेन सिटी आगे ही है, तो देखते हैं। कल तो अपन यहीं रुकने का प्लान कर रहे हैं कि अलमाटी कह रहा हूँ, अस्थाना में ही रुकेंगे, थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करेंगे कि भाई क्या है, क्या हिसाब किताब। हाँ कसम यार गूगल का क्या ही करूँ मैं, फिर से फंसा दिया। मैं बताओ इधर से कहाँ जाऊँ मैं, क्या रोड है यार। अभी मैं सोच रहा था कि भाई आराम से सेडान भी आ सकती है भाई, गूगल के भरोसे तो नहीं आ सकती। कहाँ, अच्छा खासा मेरा होटल अच्छा है, ठीक है अभी दिखाता हूँ भाई, कहाँ फंसा दिया। ओ भाई यहाँ पता नहीं कितना गड्ढा है, आगे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, उल्टा ले लो भाई, यहाँ से तो कोई भरोसा नहीं है। इस गाड़ी में देख रहे हो स्टीयरिंग उस साइड है, इंडिया वाले साइड पे, तो वही भाई भी बताया था ना कि यहाँ पे 10% गाड़ियाँ ऐसी है ना जिसमें स्टीयरिंग इंडिया वाले साइड पे है। पर ये बहुत पुरानी है यार, अच्छा ये भी टोयोटा ही है, पता नहीं कौन सी है टोयोटा की भाई, बहुत पुरानी थी, बहुत ज़्यादा भाई गजब ही लग रहा है ना ये, मतलब अलमाटी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट मैं ना थोड़ा सा अपना होटल का ना GPS के वजह से ना थोड़ा इधर उधर घूम रहा हूँ, इधर एक जगह मेरे को ले गई थी ना, वहाँ पे था ही नहीं भाई। चलो बढ़िया है, ये यू टर्न के लिए बना हुआ है, ये जो है ना भाई यू टर्न भी रोड से ही आप ले सकते हो, मतलब अदरवाइज़ यू टर्न के लिए ऐसा कुछ नहीं है, और रोड डिवाइडेड नहीं है ना, तो इधर से इधर भी गाड़ी आ जा रही है, उधर भी आ जा रही है, मस्त सा लेन है यार। बट अब होटल के लिए घुसे कहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, कोई तो एंट्री होनी चाहिए।
कार पार्किंग के लिए तो मस्त जगह है भाई, यहाँ पे लगा देंगे गाड़ी, इधर भी लगा सकते हैं, एक किनारे लगा देंगे गाड़ी और ये रहा जी एंट्रेंस। अब क्योंकि अपन यहाँ पे ना दो दिन रुक रहे हैं, मिनिमम दो दिन तो रुक ही रहे, दो दिन की बुकिंग कराई है मैंने, तो अपन ये सारे बैग लेके चलते हैं। बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना होटल्स, ये वो सारी चीज़ें बड़े लग रही हैं, मतलब अलमाटी के बाद तो यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, बड़े बड़े से बिल्डिंग हर तरफ, मतलब ये मेन एरिया लग रहा है भाई यहाँ पे ना। और बहुत सस्ते में मेरे को होटल मिला, बहुत सस्ते में भाई, बताता हूँ। पहले सारा सामान ऊपर लेके चलें क्योंकि गाड़ी पूरी भरी भरी लबालब हो चुकी है। भाई टोपी क्यों लिया था मैंने, अच्छा ये तो वो है ना सुबह जो कराया था बैंक से, सारा सामान खुद ही ले जाना पड़ेगा यार। यहाँ पे इनका छोटा सा कैफ़े है और इधर ब्रेकफास्ट के लिए है, बाकी मैंने तो ब्रेकफास्ट लिया नहीं था। और ये इनका रेट है भाई, कल जितना मैंने पे किया ना, मैंने कल 25,000 पे किया था टेंगे, और यहाँ पे देखो 25,000 दो लोगों के लिए, ठीक है, और एक लोगों के लिए 22,600 टेंगे। चल अब ये सामान तो खुद ही ले जाना पड़ेगा। मैंने रूम भी 15th floor का लिया है, 15th floor पे 16वां रूम। चलो बढ़िया, अब ये खुद ही मेहनत करके ऊपर चलें और फिर ऊपर से आपको नज़ारे दिखाएं। इसका जो 15वां माला है ना भाई, सबसे टॉप फ्लोर वही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, वहाँ से नज़ारे अच्छे। पहले मुझे 6th floor मिल रहा था, मैंने कहा दीदी ऊपर दे दो, ऊपर ज़्यादा सही लगेगा, जैकेट पहनना पड़ा मेरे को। तो जी यहाँ से हमारा रूम शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म, बस इतना ही है। एक बेड है और ये वॉशरूम है, वॉशरूम बट नीट एंड क्लीन है, बट एक पंगा है। पंगा ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक केटल नहीं दिया है, और इलेक्ट्रिक केटल नहीं तो मैं अपना रेडी टू ईट कैसे खाऊंगा। चलो ये बस बेड है, यहाँ पे बैठ के इधर काम कर सकते हैं। 15वें फ्लोर पे लेने कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से वैसे भी 1 मीटर को पूरा कैमरा लगा दें दो, इसको अंधेरा करना पड़ेगा तब जाके कुछ दिखेगा जी। अब जाके कुछ दिख रहा है ना, हाँ क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, क्या मस्त व्यू आ रहा है नीचे का भी, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लाइट्स ऑफ किए ना मैंने, उसके बाद जाके कुछ दिख रहा है, अदरवाइज पहले तो नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ से व्यू सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तुमसे तो बाहर निकल गया मैं और सिटी, मतलब सामने मेरे को ना एक पिज़्ज़ा शॉप वगैरह कुछ दिखा था तो वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा हमारा नहीं था क्या भाई, मैं तो क्रॉस कर गया। तो डोडो पिज़्ज़ा है, ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए भाई। बाहर ना निकल के हल्का हल्का तो ठंडी लग रहा है भाई, ठंड है। एक स्ट्रीट फूड दिख रहा है, ठीक है, तो मिला जुला के अपना खाने का टेंशन तो समाप्त हो गया, कुछ ना कुछ तो इधर मिल ही जाएगा भाई। इधर नॉन वेज वगैरह तो भाई मीट बर्ग, पता नहीं क्या लिखा है मीट बर्ग, भाई खाते भी तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये समझ में नहीं आता है। और मैं होटल पे खाना नहीं चाहता था, बाहर भी तो निकल के थोड़ा सा इंजॉय करें, थोड़ा सा देखें क्या है भाई। ये बर्गर है शायद, बर्गर ही है भाई, बर्गर पिज़्ज़ा खा के बोर हो गए, इंडियन खाना खाने में मन कर रहा है भाई। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और ये पिज़्ज़ा लेके आया था, बस मार्गरीटा ही ऑर्डर किया था मैंने, कहा भाई अरे यार ठंडा हो गया, चल कोई बात नहीं। बाकी आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अस्थाना में अपन 2-3 दिन रुकेंगे और सिटी एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से आगे बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज हम रशिया एकदम ही डिफरेंट रूट से इंटर हो रहे हैं और रशिया हम काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करने वाले, ऑलमोस्ट 10-12-15 दिन से ऊपर, 15 डेज से ऊपर हम रशिया में रहने वाले हैं। तो मिला जुला के चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।